गाइस, कैसे हैं सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम बैक टू टियाज वर्ल्ड। सो आ चुकी हूँ आज फिर मैं एक अच्छी सी एक्टिविटी लेकर। एक्चुअली इवनिंग टाइम है, 5:30 है। इरादा नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, पर फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा करने वाले हैं हम, तो क्यों ना शेयर कर लूँ। एक्चुअली आज हम इवनिंग टाइम में चाय नहीं पीने वाले हैं, हम इस टी टाइम में इंजॉय करने वाले हैं बनाना शेक। और बनाना शेक में 2 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पहले बनाना एंड सेकंड इज़ मिल्क। तो हम जो मिल्क यूज़ करने वाले हैं, ऑफकोर्स बनानास तो अच्छे हैं ही, पर वो हमारे बाग के नहीं है। पर जो दूध है ना, वो हमारे घर का है। एक्चुअली हम ये दूध यूज़ करने वाले हैं अपनी मिम्मो का। मिम्मो मतलब हमारी बकरी, 6 महीने के उसके बच्चे हैं। और पिछले 6 महीने से मैं सुबह शाम अपनी बकरी का दूध पी रही हूँ। इतना दूध तो मैंने शायद जब भी नहीं पिया जब मैं छोटी सी थी, जितना आजकल मैं बकरी का दूध पी रही हूँ। और इसी की वजह से मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है आजकल, मतलब पहले भी करती थी ऑफकोर्स, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा कर रही है। वैसे मैं आजकल खुश भी बहुत हूँ, सारी परेशानियों से झंझटों से मुक्ति मिल गई है। एंड नाउ फाइनली आई फील सो फ्री, इंडिपेंडेंट एंड ऑफकोर्स सुकून भरा सब कुछ। तो और मेरा प्रोजेक्ट माशाल्लाह इतना अच्छा चल रहा है, मेरा कैफ़े प्रोजेक्ट पे काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कैफ़े भी स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी ओपनिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। टाइम टू टाइम उसमें होने वाले रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो पर कंसंट्रेट करते हैं। एंड नाउ फाइनली बनाते हैं बनाना शेक विथ माई मिम्मोस मिल्क। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना शेक की रेसिपी, एंड जुड़े रहिए टियाज वर्ल्ड के साथ इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो मैंने लास्ट टाइम बकरी का दूध निकालना सिखाया था आप लोगों को, एक्चुअली मैंने नहीं सिखाया था, आशी ने सिखाया था। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगी किस तरह से आशी द ग्वालन हमारी बकरी का यानी हमारी मिम्मो का दूध निकालती है, तो वो दिखाऊंगी। और आज हम इवनिंग टी में ना, इवनिंग टी की जगह वही दूध पीने वाले हैं। हमारी जब से मिम्मो आई है ना और उसने बेबीज दिए हैं, तब से मज़े आ गए। बिल्कुल फ्रेश बकरी का दूध निकालते हैं और गटा गटा आशी और मैं पी जाते हैं। घर में रहने का कुछ दिनों यही फ़ायदा होता है। आशी और मैं खूब सेहत बना रहे हैं और साथ में हमारी स्किन भी ग्लो कर रही है, ग्लो ग्लो ग्लो। मेरी सुंदर त्वचा का राज मिम्मो का दूध, मिम्मो का दूध पी पी के मैं पिछले 7 महीने से बकरी का दूध रेगुलर पी रही हूँ माशाल्लाह। रोज़ अप्रोक्स 100 ml बकरी का दूध पीती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी में डालती है। अच्छा गंदे हैं ये, देखो बिल्कुल। ओ माय गॉड। सो आज देखते हैं कि मिम्मो अप्रोक्स एक बार में कितना दूध देती है हमें। कम से कम आधा किलो, सच में आधा लीटर दे देती है। पीते वक्त नहीं सोचते अगर बकरी का दूध हमें बाजार से, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आशी यू नीड बैग्स। ओ वाओ। अगर हम बाजार से बकरी का दूध मंगाते हैं तो आई थिंक 400 रुपये लीटर है, यानी 200 रुपये। अबे यार 200 रुपये का दूध तो मेरे घर में भी बाहर से नहीं आता, बाहर से भी मेरे घर 2 लीटर दूध आता है जो कि 100 रुपये का है ना, अमूल का। हाँ, और 200 रुपये का इसका। मिम्मो आज से ना मैं तेरे लिए ड्राई फ्रूट का इंतज़ाम करती हूँ, तू हमें इतना हेल्दी वो दे रही है मिल्क। यार वीडियो बनाते में आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये बेचारी बकरी हमारे लिए कितना करती है। मम्मा इसके बच्चे बाहर से आवाज़ दे रहे हैं। आशी पूरी एक्सपर्ट हो गई है यार, तू मतलब कैसे हाथ दबाती है, जस्ट सी, देखो वाओ, सही चल रहा है बेटा तेरा हिसाब किताब। तेरे लिए तो अब लड़का गाँव वाँव में ढूंढ ले हैं कोई अच्छे से, जिसकी बहुत सारी भैंसे वगैरह हों। अगर कोई लड़का है आपकी नज़र में जिसके घर में बहुत सारी भैंसे हों, बकरियाँ हों, मतलब आशी को एक रॉयल लाइफ भी चाहिए, ऑफकोर्स लॉयल और रॉयल पार्टनर चाहिए, तो प्लीज़ बताएं आशी के लिए हम ऐसी खानदानी ज़मींदार टाइप का लड़का चाहिए अब तो। अरे ये आशी, आशी दिखाओ, फिलहाल दिखाओ कितना हो गया होगा।
आधा जग है। देखो गाइस, ये पूरा 1 लीटर का जग है और ये यहाँ तक भर गया है, तो ऑलमोस्ट आधा लीटर हो चुका है। वाओ। और यहाँ पर मैंने गोलू को भी दिया है मिम्मो का दूध पीने के लिए। पीले पीले, बहुत टेस्टी हेल्दी। तो मिम्मो का दूध का आज हम बनाने वाले हैं। तो हम बनाने वाले हैं आज जो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं क्या बनाने वाले हैं वो क्या बनाने वाले। ओह गॉड। फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो हम बनाने वाले हैं हमारी बकरी के दूध से बनाना शेक। तो बनाना शेक के इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये बनाना, खजूर, ये नारियल और मिश्री है, और ये है मुनक्का। ओके। और आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज करें, शेक स्मूथीज ये बनाना बहुत ईजी है घर पे। जो भी आपके घर पे फ्रूट पड़ा है, अगर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं भी है तो आप बस वो फ्रूट लें, मिल्क ऐड करें, शुगर ऐड करें और बस उस फ्रूट को मिक्सी में ग्राइंड कर लें और पी लें, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, हेल्दी होगा और एक फुल मील हो जाता है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें और हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 ग्लास बनाएंगे मेरे और आशी के लिए। और ये है वो फ्रेश ताज़ा दूध। ये क्या था? इतना टेस्टी होता है ये कि मन ही नहीं करता कि इसे छोड़ो। खैर एनी मैं डाल देती हूँ, छूटा तो अच्छी पी लेगी ना, पीना पड़ेगा मजबूरी। ये था क्या? आधा गया। और ये हाफ पीस में जाएंगे, थोड़ा सा पानी भी ले ले। मैं तो मग में पीऊंगी, मग में पीने का मजा अलग है। तो हमारा ये शेक तैयार हो चुका है, पर मैं वाली हूँ मग में, और मैं कितने प्रीटीएस्ट मग लाई हूँ, मैं ये दिखा देती हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना? ठीक है, सूट मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैं 2 लेकर आई थी, और मैं इसमें ही पीने वाली हूँ। बाकी अम्मी आ गई हैं तो हमने उनके लिए भी कर लिया है, थोड़ा करते हैं क्योंकि उन्हें शुगर है तो हम उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं देते हैं ज़्यादा। खैर एनीवे, मैं इंजॉय करती हूँ अपना ये हेल्दी बनाना शेक, और आप भी ऐसा कुछ बनाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपके घर भी है कोई गाय भैंस, यार अपॉर्चुनिटी है, एडवांटेज लो उसका थोड़ा सा। गाय भैंसों का एडवांटेज लेने में कोई बुराई नहीं है, और बकरी का भी। अच्छे खाने को ना अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी और अच्छी सी एक्टिविटी के साथ। तो बाय बाय।